हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो में आप लोग को ये बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके घर को शुद्ध हवा देते हैं, प्योर एयर देते हैं। ऐसे तो सारे प्लांट्स एयर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि प्योर एयर देते हैं। उसी के बारे में मैं आप लोग के साथ आज जानकारी शेयर करूंगी वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग से कि जो हमारे मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और बेल आइकन बटन तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था आप लोग से कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके घर को शुद्ध हवा देते हैं। तो वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, चलिए अब मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर में तो आता है ये तुलसी का प्लांट। तो तुलसी का प्लांट एक दैवीय प्लांट है। दैवीय प्लांट के साथ साथ एक मेडिसिनल प्लांट है और सारे घर में तुलसी के प्लांट आपको मिल जाएंगे आसानी से। और सारे घर में तुलसी के प्लांट की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर में तुलसी की प्लांट हो गई और सेकंड नंबर में फ्रेंड्स ये है एरिका पाम। तो एरिका पाम भी शुद्ध हवा देता है। तो एरिका पाम जैसे कि इंडोर आउटडोर दोनों सर्वाइव करते हैं और इसको घर में आदमी लिविंग रूम वगैरह में भी लगा रखते हैं एक डेकोरेशन के रूप में। तो बहुत फ़ायदेमंद है, अगर आप अपने लिविंग रूम में इसे ऐड करते हैं तो आपको 24 घंटा शुद्ध हवा मिलेगा। और थर्ड नंबर में फ्रेंड्स ये है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट भी फ्रेंड्स जो है कि आपको शुद्ध हवा देता है और आपके घर के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखता है। तो इसे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, इसे भी आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। आप इसे अपने लिविंग रूम में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है कि आपको शुद्ध हवा देते रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स है फोर्थ नंबर में क्रोटन। तो क्रोटन के भी जो है ये भी आपको शुद्ध हवा देते रहेगा। इसको भी आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। तो सुबह का जैसे कि इसको ऐसे जगह पे रखिए जहाँ कि सुबह का 2-4 घंटे धूप आए और जैसे कि ज़्यादा इसे धूप नहीं पसंद है। तो देखिए मेरे यहाँ तो अभी इस समय सुबह का टाइम है, अभी यहाँ धूप ही नहीं आया है। तो मैं भी ऐसा जगह पे रखती हूँ जहाँ उसे कम धूप मिले। अब यहाँ 12 बजे तक इसको थोड़ा बहुत धूप मिल जाएगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस सब बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किन किन पौधों को जैसे कि कितने धूप की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, 5 नंबर में है आपका एलोवेरा। एलोवेरा जो ये भी है कि आपको शुद्ध हवा देते रहता है और इसके बहुत मेडिसिनल बेनिफिट हैं, बहुत चीज़ में ये फ़ायदेमंद है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका है ये 6 नंबर में फाइकस का प्लांट। तो ये भी आपको शुद्ध हवा देते रहता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये आउटडोर प्लांट है। और देखिए फाइकस एक तरह का और होता है, ये है स्टार फाइकस। उसके बाद फ्रेंड्स है 6 नंबर में ये सिंगोनियम का प्लांट। तो सिंगोनियम भी है कि आपको शुद्ध हवा देते रहता है और इसके भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल फायदे हैं, इंडोर आउटडोर दोनों ये सर्वाइव कर जाते हैं। और लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी कोई मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, खूब बढ़िया चलते रहता है ये। उसके बाद फ्रेंड्स है ये मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी है जो कि आपको शुद्ध हवा देते रहता है और खूब बढ़िया सा जैसे कि आपके गार्डन में चलते रहता है। तो इसका हो तो ज़रूर आप लोग अपने गार्डन में ऐड कीजिए क्योंकि ये मनी प्लांट जो है बहुत जैसे कि घर में इससे सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, घर में पैसों की कमी नहीं रहती है। तो मनी प्लांट तो अपने गार्डन में आप लोग ज़रूर ऐड करें। फिर है फ्रेंड्स ये स्पाइडर प्लांट।
तो स्पाइडर प्लांट भी जो आपको शुद्ध हवा देते रहता है आपके घर को, तो स्पाइडर प्लांट को भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट ये भी है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये है एग्लोनीमा का प्लांट, तो इसको भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये भी आपको शुद्ध हवा देते रहता है और इसकी भी कोई खास मेंटेन नहीं करनी होती है। ये भी आपको इंडोर आउटडोर दोनों जगह सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसको जो कि सुबह का धूप 2-4 घंटे तो चाहिए ही। किसी भी प्लांट को सुबह का धूप, कम से कम इंडोर प्लांट जितने भी हैं उसको सुबह का 2-4 घंटे का धूप बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स है ये क्रिसमस ट्री, ये भी आपके घर को शुद्ध हवा देते रहता है। तो आप लोग इसे भी अपने गार्डन में लगाइए। और बहुत हार्डी प्लांट होता है, बस थोड़ा सा इसे ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे गर्मियों में इसे धूप से बचा के रखिए, अगर इसको कंटिन्यू फुल सनलाइट में अगर रखेंगे आप तो ये प्लांट जो है कि डेड हो जाता है। इसके पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ते पड़ते पूरे प्लांट जो है एकदम सूख जाते हैं। तो बस थोड़ा इसको गर्मियों में बचा के रखना पड़ता है। अगर आप इसको इंडोर रखें तो गर्मी में बहुत अच्छा ये चलेगा, और बालकनी वगैरह में रखिए तो बहुत अच्छे से चलेगा ये गर्मी में। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिसको मैंने अभी शेयर किया आप लोग के साथ। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं आपके घर को शुद्ध हवा देते रहते हैं और खूब बढ़िया से चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे गार्डन में भी जो जितने इंडोर प्लांट को मैंने रखा है सारे को ऐसे जगह पे रखा है। ये देखिए अभी सुबह के 8:30 हो रहा है, अभी भी देखिए यहाँ पर इतना धूप अभी नहीं आया है। यहाँ जो है कि अब धूप, जैसे कि यहाँ 9 बजे के बाद यहाँ पर धूप आएगा, तो 9 से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे धूप रहता है। मैं ऐसी जगह सेलेक्ट करके रखती हूँ जितने इंडोर प्लांट्स हैं कि जहाँ धूप कम लगे। और देखिए फ्लावरिंग प्लांट के पास जितने मेरे फ्लावरिंग प्लांट है, इधर इधर देखिए धूप ही धूप है, तो इधर धूप आ गए हैं। तो देखिए इस तरह से ना प्लांट के रख रखाव में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से प्लांट को कहाँ रखे नहीं रखे, ये सब सोच समझ के रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आए, तो एक लाइक कमेंट तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। और वीडियो को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिलते रहे। और ज़रूर करना चाहिए, वीडियो को शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और को भी मिल जाएगा तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कोल्ड ड्रिंक के बोतल को काट के बनाया है और इसमें रियो का प्लांट लगाया है, और देखिए खूब बढ़िया से चल रहे हैं। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया बाहर जाके खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैं मिलती हूँ अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।